ये बात उनसे पूछी जाए कि चलिए ठीक है, हमारे में तो ब्राह्मणों ने बना दिए, अब इस्लाम को तो ब्राह्मणों ने पैदा नहीं किया था, या तथाकथित पंडितों ने तो पैदा नहीं किया था, तो ये जो इनके पंडित जिसको ये विद्वान स्कॉलर कह रहे हैं, तो क्या पसमानदा और अशराफ का डिफरेंस भी क्या पंडितों ने बनाया है? और दूसरी बात, मैं जरा इस पर भी बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो क्लैरिफिकेशन, मैं आपकी बात पर बाद में आता हूँ, पहले ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि पंडितों ने नहीं, पंडितों से मतलब है विद्वान। तो भाई सबसे पहले इनकी बात का थोड़ा सा कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर लिया जाए। इन्होंने कहा कि वो जिन्होंने झूठ बोला है विद्वानों ने, इनकी बात पहले तो इन्होंने कहा ब्राह्मण पंडित, लेकिन चलिए पंडित को एक सेकंड के लिए किनारे रखते हैं, हम आते हैं विद्वानों पर। इन्होंने कहा विद्वानों ने झूठ बोला है, तो भाई अगर विद्वानों ने झूठ बोला है और आप इतने अधिकार से कह रहे हैं कि विद्वानों ने झूठ बोला है, तो वो कौन से विद्वान है जिन्होंने झूठ बोला है? क्या भारत में आज तक जितने शास्त्रीय परंपरा के जितने विद्वान हुए हैं सबने झूठ बोला है क्या? और अगर आपको मालूम है कि नहीं, सबने तो नहीं झूठ बोला है, कुछ लोगों ने झूठ बोला है, तो वो कौन से विद्वान है जिन्होंने झूठ बोला? उनकी एक लिस्ट तो जारी कीजिए, उनकी एक सूची तो बनाइए, कम से कम 10-5 नाम तो दीजिए कि देखिए ये विद्वान है, इन्होंने झूठ बोला। और ये विद्वान इतने प्रोमिनेंट थे भारत में कि जितने अन्य जो विद्वान थे जिन्होंने झूठ नहीं बोला, जो सच बोल रहे थे, जो तथाकथित सच बोल रहे थे, उनकी बात नहीं मानी गई, जो कुछ मुट्ठी भर विद्वानों ने झूठ बोल दिया, उनकी बात पूरे समाज ने मान ली और जातियों में समाज बट गया। तो ये जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है मूर्खतापूर्ण कि उनका मतलब था स्कॉलर से, विद्वानों से, तो भैया उन अगर आप कह रहे हैं कि विद्वानों ने झूठ बोला, तो कौन से विद्वान थे वो? उनका नाम बताइए ना, किन विद्वानों की बात कर रहे हैं आप? और अगर वो विद्वान थे तो उन विद्वानों की जाति भी बताइए। मैं तो इतना जानता हूं कि शास्त्रीय परंपरा के जितने भी विद्वान हैं, शास्त्रीय परंपरा के जितने भी विद्वान हैं जिनकी बात शास्त्रों में मान्य होती है, मैं आर्य समाजियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते हैं। अगर आप आर्य समाजियों को विद्वान मानते हैं तो आप अपने घर में बैठ के मानते रहिए उनको, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा के भी विरोधी हैं। तो इस हिसाब से तो हिंदू समाज को तो मूर्ति पूजा ना मानने वालों को भी बिल्कुल ही, एक मूर्ति पूजा ना मानना अलग बात है, मूर्तियों को ना मानना, वो मूर्ति भंजक है एकदम, जैसे इस्लामिस्ट होते हैं कि जिनको मूर्तियों से समस्या है। और गोयल जी ने तो अपनी जीवनी में यहाँ तक अपना अनुभव वर्णन किया कि आर्य समाजियों को मूर्तियों से इतनी समस्या थी कि वो स्वयं भगवान शिव के मंदिर में विष्ठा करने को अपने आप की बाबाई मानते थे कि मैं भगवान मूर्तियों को नहीं मानता हूँ और मैं शिव जी के मंदिर में विष्ठा करके आया हूँ और मैं इतना बड़ा आर्य समाजी हूँ। तो आर्य समाजी तो वो लोग हैं जो इस्लामिस्टों की लाइन पर हैं, जो बिल्कुल मूर्ति भंजक हैं, तो क्या उनको भी शास्त्रीय परंपरा का विद्वान मान लिया जाएगा? जाहिर सी बात है कि नहीं माना जाएगा, इसीलिए आर्य समाज समाप्त हो गया आज। आर्य समाज की क्या प्रासंगिकता रह गई है आज के समाज में? तो इसी लाइन पर अगर चला जाए, तो जिनको इन्होंने विद्वान कहा और कहा कि जो झूठ बोलते हैं, तो पहली बात तो आप उन विद्वानों की सूची दीजिए जिनको आप कह रहे हैं कि जिन्होंने झूठ बोला, या फिर आपका ये कहना कि आज तक जितने विद्वान हुए हैं उन्होंने झूठ बोला है, आप पहले व्यक्ति आए हैं जो कि जानवरों के डॉक्टर हैं, डीएनए एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है कि सच कहाँ है। दूसरी बात, अगर आप सूची देते हैं तो बताइए भाई, ये जो विद्वान थे जो कि धर्मशास्त्रों के विद्वान थे, आप कहते हैं जिन्होंने जाति को कहें इनके हिसाब से वो इंटरप्रेट किया, तो भाई वो विद्वान किस जाति के थे? उनकी भी तो जाति होगी ना। मैं तो इतना जानता हूं कि ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने ही आप कितने भी धर्मशास्त्र उठा लीजिए, आप जितना भी वो तो जाति से सदैव चला आ रहा था कि जितना अध्ययन अध्यापन का कार्य था वो ब्राह्मणों के हाथ में था, जितने भी अधिक से अधिक धर्मशास्त्रों को लिखना और धर्मशास्त्रों की व्याख्या करना, जो समाज का जितना काम है इस तरीके का, वो ब्राह्मणों ने किया है। भले ही कुछ संत या अन्य महापुरुष जो है अन्य जातियों से भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन चीज को कोडिफाई करना, शास्त्रीय तौर पर लिखना और इतने स्पष्ट रूप से, देखिए ऐसा नहीं था हमारे यहाँ कि वहां की तरह कि एक बात किसी ने कह दी और उसको मान लिया गया, जो बात कही जाती थी उस पर लंबे लंबे शास्त्रार्थ हुआ करते थे। शास्त्रार्थ के बाद हमारे यहाँ पूर्व पक्ष की परंपरा थी, खंडन मंडन की परंपरा थी, शास्त्रार्थ होने के बाद जो रिजल्ट, जो निचोड़ निकलता था उसको शास्त्रों में स्थान मिलता था। तो जो शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्रार्थ करने वाले कौन थे, शास्त्रीय परंपरा में पारंगत कौन लोग थे, किस जाति के थे वो लोग, पहली बात। और मान लेते हैं चलिए वो सब ब्राह्मण नहीं थे, तो फिर भाई आप दो तीन तो ऐसे नाम बताइए कि इन्होंने धर्मशास्त्र लिखे थे और ये ब्राह्मण नहीं है, या फिर हम इस विद्वान को सच्चा मान रहे हैं, उस विद्वान को झूठा मान रहे हैं। सिर्फ एक लाइन का क्लैरिफिकेशन दे देने से क्या बात बन जाएगी कि आपने कहते हैं विद्वान झूठ, विद्वान पंडितों से हमारा मतलब था विद्वान, तो क्या सारे विद्वानों ने झूठ बोला था? और आप एक जानवरों के डॉक्टर जो लोगों का डीएनए बताते हैं, आपको, आप ज्यादा सत्यवान हैं, आपको ज्यादा शास्त्रीय ज्ञान है, इसलिए आप सच बता रहे हैं, खुद कहते हैं कि हम, मेरा नाम भागवत है, मैंने भागवत कभी नहीं पढ़ी। तो भैया आपको ये कहाँ से आधार मिला कि आप इतने ऑडेसिटी के साथ आके ये कहें कि नहीं उन्होंने झूठ बोला? और अगर झूठ बोला है तो प्लीज कोई सूची जारी कीजिए ना, कुछ तो आप कुछ तो दीजिए ना, अपने अपनी बात के साथ कोई तो प्रमाण दीजिए। आप दूसरों से तो बहुत प्रमाण मांगते हैं, और इनके जो भेड़े हैं वो भी बहुत प्रमाण मांगती हैं दूसरों से, तो एक बार इन्हें भी तो किसी चीज का प्रमाण देना चाहिए कि कहाँ से ला रहे हो। आपको तो सामलैंगिकता दिख गई महाभारत के ग्रंथ में, उसका प्रमाण भी नहीं है आपके पास कोई। और जब मैं ये बातें उठा रहा हूँ,
जब अन्य अन्य स्थानों पर इन बातों को कह रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि अरे भागवत ने ये कह दिया इसलिए ये व्यक्ति उनको एंटी हिंदू कह रहा है। भाई आप शास्त्रीय परंपरा को दूषित करेंगे, आप शास्त्रीय ज्ञान को एक तरीके से आप कहेंगे कि ये झूठा झूठ फैला हुआ ज्ञान है, आप हमारे देवी देवताओं को मिथ्याचारी कहेंगे, आप हमारे ग्रंथों में सामलिंगता ढूंढेंगे, यहाँ तक कि आप हिंदुओं को आइडेंटिटी क्राइसिस में डालेंगे कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं कोई, और सिर्फ पूजा पद्धति की भिन्नता है और किसी बात की भिन्नता नहीं। मतलब आप हमारे ग्रंथों को या हमारे वेदांत को आप उनके अब्रामिक जो मत हैं उनके साथ एक कहें कि एक धागे में पिरोने का प्रयास करेंगे, और हमसे इनकी भेड़ उम्मीद करते हैं कि हम इनको एंटी हिंदू ना कहें, हम इनको इनके ऊपर आक्षेप ना करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने तो बस ये कहा है कि विद्वानों ने झूठ बोला है। तो भाई इस बात को सिर्फ हम एक बयान के आधार पर देखेंगे क्या? इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं रखेंगे? इस बात का पूरा परिप्रेक्ष्य यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंटी जाति है, इसको जातियों से समस्या है, क्योंकि ये एंटी जाति है इसलिए ही इसने अपने आप को परंपराओं से दूर कर लिया, ये एंटी परंपरावादी है, क्योंकि ये परम जितनी भारतीय समाज में या हिंदू धर्म में जितनी परंपराएं हैं जिनको शास्त्रीय परंपराएं कहते हैं वो धर्मशास्त्रों पर आधारित हैं, और इसलिए अगर आप स्वयं को परंपराओं से दूर करते हैं तो आप धर्मशास्त्रों से दूर कर लेते हैं, और आप स्वयं को धर्मशास्त्रों से दूर करते हैं तो आप स्वयं को देवी देवताओं से दूर कर लेते हैं, और जैसे ही आप देवी देवताओं से स्वयं को दूर कर लेते हैं वैसे ही आप चाहते ना चाहते हुए भी आपके वक्तव्य आपके कृत्य एंटी हिंदू हो जाते हैं। तो डंके की चोट पर मैं एक बार नहीं 100 बार ये बात कहूंगा कि मोहन भागवत जी जिस संगठन को चला रहे हैं जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो संगठन अपने प्रारंभ से ही हिंदूवादी संगठन नहीं है, और अब तो वो एंटी हिंदू संगठन है, हिंदुओं का शत्रु संगठन है। उस संगठन ने हिंदू समाज के बीच आकर हिंदू समाज को उसकी जातियों से परंपराओं से धर्मशास्त्रों से देवी देवताओं से दूर करने का कार्य किया है, और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा अगर किसी को हानि पहुंची है तो वो ब्राह्मण समाज है, और ये पंडित वो स्कॉलर वाला ब्राह्मण समाज नहीं, मैं साधारण ब्राह्मण समाज की बात कह रहा हूँ जो जन्म से ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा बहुत लंबे समय से और बहुत लंबे समय तक ढोया है। तो इसलिए अगर कोई जातियों से ऐसा कोई समाज ऐसी कोई जाति जिसका सब कुछ धर्मशास्त्रों में ही निहित था उस जाति को आपने उसके धर्मशास्त्रों से दूर कर दिया, उसकी परंपराओं से दूर कर दिया, उसके देवी देवताओं से दूर कर दिया, तो इस बात के दोषी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये बात ब्राह्मणों को हिंदुओं को समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई हिंदूवादी संगठन नहीं है, वो विशुद्ध रूप से एक एंटी हिंदू संगठन है।